हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सेट कीबोर्ड वॉलपेपर इन सैमसंग गैलेक्सी F12। फ्रेंड्स, आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F12 मोबाइल के अंदर किस तरीके से कीबोर्ड का वॉलपेपर सेट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसलिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कीबोर्ड को ओपन कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कीबोर्ड का यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, टाइपिंग को यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ओपन कर लिया था। आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ही आपको यहाँ पे करना क्या है, कीबोर्ड का यहाँ पे जो आपको वॉलपेपर सेट करने के लिए आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर देना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, तो आपको यहाँ पे इसलिए टैप कर देना है थीम पे। फ्रेंड्स, आपको जो कीबोर्ड का थीम है इसलिए यहाँ पे आ चुका है, इसलिए यहाँ पे आप अपने थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको वॉलपेपर यहाँ पे आ चुका है। तो फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कीबोर्ड इस तरह से मेरे को देखने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सो कीबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह से मुझे यहाँ पे थीम सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप अपने कीबोर्ड के वॉलपेपर को चेंज करते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।